हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं बता दूं कि मेरा जो ब्लॉग है ना, आज मेरे गांव के रास्ते से कंटिन्यू हो रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में जो तैयार सैयार होना है वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी और मेरी फ्रेंड है जो मेरे घर पर आ गई थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल गई और मैं आपको रास्ते से ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो घर से थोड़ा चलने के बाद ऑटो स्टैंड आता है, यहाँ से हम ऑटो लेते हैं और सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं। ऑटो में इतनी भीड़ थी वो भी मैंने आज कट कर दिया क्योंकि मैं डेली डेली क्या आपको दिखाऊं। तो सीधा हम पहुंचते हैं लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में अटेंडेंस लगाते हैं और सीधा चलते हैं अपनी विद्या ग्रहण करने के लिए, मतलब अपनी सीट लेने के लिए। पता है लाइब्रेरी में आजकल क्या हो रहा है कि पहले ठंड थी तो बच्चे कम आ रहे थे और सीटें खाली थी, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस में वैकेंसीज निकल आई हैं और बच्चे भी लाइब्रेरी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो बच्चे ना रिजर्व कर रहे हैं अपनी सीट, तो इस वजह से हमें सीट भी नहीं मिल पा रही। तो मैं देख रही थी कहाँ खाली, क्योंकि हमारी सीट रिजर्व नहीं थी। अब मैं बहुत कंफ्यूज थी कि सीट को रिजर्व करवा लूँ या नहीं। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो ये है कि लाइब्रेरी इतनी खाली थी, जब मैं आती हूँ पढ़ने के लिए कोई नहीं था, एक भैया पढ़ रहे थे सिर्फ। अब उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी धीरे धीरे कितनी भीड़ हो जाती तो है। चलो अब चलते हैं अपनी फ्रेंड के पास जिससे मुलाकात करवाती हूँ। इसका नाम है निधि और ये भी स्टडी रिलेटेड ब्लॉग्स बनाती है और ये शॉर्ट चैनल ज़्यादा बनाती है। अब मैं चलती हूँ अपनी स्टडी के ऊपर, लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट लेक्चर में करती हूँ मैं हिस्ट्री और उसका मैं रिविज़न कर रही थी, एंशियंट हिस्ट्री। अब क्या होता है ना कि मैं ना दो टॉपिक हैं, मतलब दो कोर्स हैं मेरे, जो कि है यूपी पुलिस और एक है सीटेट, जिसको मैं आधा आधा टाइम दोनों को बांट रही थी, किस टाइम सीटेट पढ़ना चाहिए और किस टाइम मेरे को यूपी पुलिस पढ़ना चाहिए। और आपका भी राय चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही। ये मेरी टेबल थी, लेक्चर ख़त्म करने के बाद मेरी टेबल कुछ ऐसी हो गई थी। और मेरी दोस्त पढ़ रही थी अपने बीएड का, मतलब बीटीसी का, जो कि सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं 11 तारीख से, इसके 3 दिन एग्ज़ाम रहेंगे। फिर मैं चलती हूँ अपने की पॉइंट्स पर। इसमें मैं देख रही थी मैंने क्या क्या पढ़ लिया था और क्या क्या मेरा रह गया था, और ये बनाना इतना इम्पोर्टेंट है और कौन कौन ये बनाता होगा, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि हमने पूरे दिन में कितना पढ़ लिया और कितना रहेगा और मेरे को घर पर जाकर क्या पढ़ना है। इसके बाद पता चलता है मेरा कि मेरे को इंग्लिश भी पढ़ना है। अब मेरा इंग्लिश में क्या था कि मेरे को थोड़े बहुत ना रिवीजन करने थे, कि मतलब उसमें क्या देखना था कि क्या रह गया है क्या नहीं। तो मैं जब तक इंग्लिश का पढ़ती हूँ तब तक मेरी दोस्त मेरे से कह रही है कि मेरा मतलब उसका भी दोनों चल रहा है ना सेमिस्टर वाइज, बीटीसी और यूपी पुलिस, वो भी दोनों पे ध्यान दे रही है। लेकिन उसके 11 तारीख से एग्जाम है। अब मेरा इतना करने के बाद मैं 15 मिनट रेस्ट लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि लाइब्रेरी में अब कितनी भीड़ हो गई थी। ये थी देखो, ये लाइन पूरी खाली थी, अब इसमें इतनी भीड़ थी, दीदी वगैरह और सारे शॉल, कोई स्वेटर, कोई रजाई लेकर पढ़ रहे थे। और इतनी ठंड थी, मैं आपको दिखा रही थी, मेरे कान पे इतनी ठंड लग रही थी, लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी इतनी ठंड लगती है। अब मेरा आ जाता है थर्ड क्लास के ऊपर, थर्ड लेक्चर के ऊपर, जिसमें मैं पढ़ूंगी हिंदी या पॉलिटी। अब मैं डिसाइड कर रही थी पहले नंबर पे क्या पढ़ूँ, तो मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर ली क्योंकि मेरे को है ना यूपी पुलिस के सारे क्लासेस लेने थे टॉपिक वाइज। तो अब मैं इसमें पॉलिटी पढ़ती हूँ, करीब 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं सारा याद करती हूँ, रिविज़न करती हूँ, पुराना करती हूँ, नया करती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। और आप ये भी बताना कि कौन कौन लाइब्रेरी ही जाकर पढ़ता है और कौन कौन मेरे ब्लॉग्स दिख रहा है और कहाँ कहाँ से दिख रहा है और कौन कौन कंटिन्यू कर रहा है। तो आप सभी बताना कि आप कहाँ से हो, और मेरे को है ना ओपिनियन भी दे देना कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो सही कर रही हूँ या मैं कैसे कैटेगरी बांटूँ, मतलब कैसे सब्जेक्ट्स बांटूँ अपने, पहले मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, मैं अगर ऐसे पढ़ रही हूँ तो सही पढ़ रही हूँ, जो मेरे से सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं जो भी हूँ। यार किसी का भी मतलब राय लेना गलत नहीं है, तो आप बता जरूर देना। अब मैं इसमें आपको पता है मैथ का रिविज़न करती हूँ, मैथ के बाद थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेती हूँ, धीरे धीरे मेरे लेक्चर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं इतनी थक जाती हूँ ना शाम तक पढ़ते पढ़ते, और मेरे को इतनी भूख लग रही थी क्योंकि मैं आज खाना भी नहीं लेके आई थी। तो मैं अपनी दोस्त से भी पूछती हूँ कि वो कुछ लेके आई हो तो दे दे। और मैं खाना इसलिए भी जल्दी नहीं खाती क्योंकि मेरे को खाना खाने के बाद ना नींद आने लगती है और बहुत ज़्यादा। तो कम से कम मैं 2-3 बजे तक तो कुछ नहीं खाती, लगातार पढ़ती रहती हूँ सुबह से जितनी भी आती हूँ। और ये मेरे पूरे दिन की लाइफ है जिसमें थोड़ी मस्ती है, थोड़ी पढ़ाई है, थोड़ा इंजॉयमेंट है। और ये मेरी फ्रेंड के भाई का बर्थडे था तो उसके लिए फ्रेम बनवा के लेके आई थी। अब यहाँ से सीधा हम घर जाएंगे और घर में थोड़ी सी सोऊंगी, थक गई हूँ मैं आज बहुत ज़्यादा। और वहीं जाकर आपको दिखाऊंगी मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और रात हो गई थी, मतलब देखो इतना अंधेरा हो गया था। और मैं यहाँ से फिर सीधा चाय पीती हूँ और चाय पीने के बाद मैं सीटेट का पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अगर मेरे आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर।